एक इंडियन मेंटेलिटी होती है, हमें कम पैसों में ज्यादा चीजें मिले। दुल्हन को देखने 50-60-70 लोग आते हैं ना, उस टाइप से मैं इसकी वीडियो दिखाऊंगी आपको, उस टाइप से लोग आए थे इसे देखने। आपको दर्द नहीं होता, दूसरे का जो सुनना पड़ता है ना वो चीज बहुत लगती है। देखिए प्रियंका की मुझे एक बात काफी अच्छी लगी, खुल के बता रही हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा रही हैं। अगर कोई होता ना मेरे जैसा कि न्यू कमर या नया वो होता ड्राइवर, तो मैं उसके मतलब मास्टर बन जाती कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, निकल जाएगी क्या बताओ आप, शर्त लगाओ 100-100 रुपए करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आजकल 10-12 लाख-13 लाख का बजट काफी आम हो गया है इंडियन मार्केट में, अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं तो। अगर इस प्राइस रेंज में आपको कैपेबल गाड़ी चाहिए, एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे आप कहीं पर भी ले जा सकें, एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके इंजन में दम हो, एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि स्पेशियस हो, और एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी देती हो और वो रगेड भी हो, और वो एक गाड़ी है महिंद्रा की बोलेरो नियो, प्रियंका की गाड़ी है। प्रियंका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू सो मच सर। और आपका जो ड्रेस है और जो गाड़ी का कलर है मैच कर रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। एक और चीज आपको मेंशन करवाना चाहूंगा कि इसमें एडास भी है, ये रडार लगा हुआ है। ये तो खैर मजाक की बात थी। मुझे प्रियंका एक बात बताओ, अगर अर्बन एरियाज में आप जाते हैं तो लोग नेक्सोन जैसी ब्रेजा जैसी गाड़ियां पसंद करते हैं, तो आपकी ऐसी क्या चॉइस बनी इस गाड़ी को लेने की? सर एक्चुअली मुझे सिडान या हैचबैक इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे एसयूवी ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा। इससे पहले जो हमने कार पसंद की थी वो हमने स्कॉर्पियो S11 बुक की थी आगरा से ही, कमलेश मोटर से। सो वहां पे उन्होंने बोला कि हम आपको नवंबर में गाड़ी दे देंगे। मुझे स्कॉर्पियो S11 बहुत ही ज्यादा पसंद है। अच्छा। सो उन्होंने मतलब अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया ऑन टाइम। सो इसके बाद हमने बुक की हैरियर XMS। अच्छा। और उस टाइम पे ऑटो एक्सपो में हमने देखी हैरियर रेड डार्क एडिशन, तो उस पे हमारा माइंड एकदम स्विच हो गया, बहुत ही मुझे वो पसंद आई, तो वो XMS का वहां से सीन खत्म हो गया कि अब नहीं लेनी है। बट हमें इमिजिएटली कोई भी गाड़ी चाहिए थी जिससे अप डाउन करने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये मतलब बैठे बिठाए इसका प्लान बना है। कोई आइडिया नहीं था, बस जो सेल्स पर्सन थे उन्होंने बोला कि चलिए आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, बुलेरो भी न्यू अच्छी गाड़ी आई है, तो हमने कहा दिखाइए। उन्होंने 2-3 कलर दिखाए, वो पसंद नहीं आए, फिर उन्होंने बोला एक कलर आपको शायद पसंद आ सकता है, तो मैंने बोला ठीक है दिखाइए। सो उन्होंने ये कलर सिर्फ फोटो में दिखाया था, मैंने कहा मुझे रियल में दिखाइए, मैं अभी इसको फाइनल कर दूंगी। अच्छा। जब उन्होंने रियलिटी में ये गाड़ी दिखाई, वो गाड़ी धुली भी नहीं थी, तभी मुझे ये इतनी मतलब मस्त लगी कि मैंने कहा इसको फाइनल कीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। हैरियर को और स्कॉर्पियो क्लासिक S11 को रिजेक्ट करके ये गाड़ी ली है इन्होंने। अब मुझे एक बात बताइए, वो गाड़ियां इससे ऊपर वाले सेगमेंट की हैं जी, दोनों गाड़ियां जी। लेकिन इसको लेने के बाद कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है इस गाड़ी में कोई? थोड़ा बहुत एक मतलब चॉइस का कॉम्प्रोमाइज था, मुझे S11 पसंद थी, दूसरा हैरियर भी मुझे काफी पसंद है, बट ये स्पेशियस भी है और देख तो रहे हैं आप बॉडी मतलब अच्छी खासी रोड प्रेजेंस भी है, तो इस वजह से मुझे ये सही लगी इमिजिएटली, और बजट में थी, बजट फ्रेंडली गाड़ी थी, तो मैंने कहा चले ठीक है इसको ही फाइनल करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर TUV 300 होती तो लेते आप इसको? सर इसका लुक थोड़ा सा ना मुझे ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, वो जरूरत से ज्यादा बॉक्सी बनाई गई थी, वो थोड़ा सा ऊंची भी थी, अजीब सी लगती थी, लेकिन ये काफी अच्छी लगती है देखने में। जी जी। अब मुझे एक बात बताइए कि फ्यूल एफिशिएंसी कितनी दे रही है आपको ये गाड़ी? इसकी काफी सही है सर, और अगर इसकी माइलेज की भी बात करूँ, वैसे क्लेम्ड माइलेज तो 17-18 की है ही, बट अभी भी फिलहाल हमारी 17-18 क्रॉस कर रही है। कैसे चलाते हैं आप गाड़ी? ज्यादातर हाईवेज पे चल रही है। अच्छा। मतलब ये समझ लीजिए 60% हमने हाईवे पे ही चलाया है, ये रुद्रपुर तक गई है, हमें शादी में जाना था इमिजिएटली, तो ये गई है वहां तक, मतलब बहुत सही लगी मुझे। मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक में दिक्कत होती है तो मैं किसी और की हेल्प ले लेती हूँ, बट हाईवे पे तो मैं ही चलाती हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है बॉस वाला फील आ रहा है। आपका सेल्स एक्सपीरियंस कैसा रहा महिंद्रा का? काफी बदनाम है महिंद्रा इस मामले में। सर कुछ डीलरशिप का तो मैं कहूंगी कि जो जैसे हमने कमलेश महिंद्रा से स्कॉर्पियो बुक की थी, वहाँ का मतलब कस्टमर्स ऐसे ही मतलब डिससेटिस्फाइड नहीं होते। अगर आप कमिटमेंट कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि आप उसे पूरा करें। अच्छा। उन्होंने नहीं किया, ऊपर से मतलब लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, सो वो चीज़ नहीं जमती किसी को भी। और हमने कल्याण महिंद्रा में उन्होंने बोला कि मैडम आज गाड़ी मिल जाएगी तो एनी हाउ आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, क्लियर कट बात कही उन्होंने, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और वहाँ का मतलब एक तो एनवायरनमेंट, दूसरा सेल्स पर्सन का बिहेवियर, तीसरा GM हो चाहे CEO, बहुत ही मतलब पोलाइट,
बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया। अच्छा, ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस कभी ऐसे रास्तों में गए हो जहाँ पर रोड काफी खराब हो? वहाँ का एक्सपीरियंस पहले दिन ही हो गया था, ये यहाँ से ना हल्की सी लग भी गई है। अच्छा। ज्यादा तो मतलब नहीं था, थोड़ा सा इतना ऊंचाई पे था, अब मुझे आइडिया नहीं था, वो एकदम से मतलब ठुक दी मैंने। हाँ। थोड़ा सा लग गया था, फर्स्ट ही इसमें स्क्रैच आ गया था, तभी आपने ये सेंसर लगवा लिया। हाँ, ये बिल्कुल एडास इसी वजह से लगवाया है, ये एग्जैक्टली तभी के बाद लगा है, किसी ने बोला था कि मतलब थोड़ा सा जूता उता बांध के नजर नहीं लगती, जैसे पुराने लोग थोड़ा सोचते हैं कि नजर नहीं लगती तो लटका दो। तो उसके बाद सही चल रही है गाड़ी? अभी तक तो फिलहाल भगवान की दया से सही चल रही है। देख लो भाई, घर में जो बचे हुए जूते होते हैं उसको बेचना शुरू कर दो। ऐसे काफी कस्टमर होते हैं जो ये लगाते हैं आपका जो ये सेंसर है आगे। कम्फर्ट कैसा है गाड़ी के अंदर? और 7 सीट इसकी यूज होती है, पीछे की जो जंप सीट है उसका इस्तेमाल होता है या फिर बूट स्पेस के तौर पर यूज करते हैं? अभी तक तो फिलहाल बूट में ही वो यूज हुआ है। अच्छा। और मतलब ज्यादातर जितने भी लोग बैठे हैं, इवन मैं अभी बैठ के ही आई हूँ सेकंड रो में, बहुत ही कंफर्टेबल है। अच्छा। हाँ, मतलब आप लेट के आए बैठ के आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगा। एक ये नहीं है कि बंदे बंदे से बैठे रहते हैं ना, वो चीज नहीं है वो, इसलिए गाड़ी की चौड़ाई काफी है। हाँ। और 3 लोग आसानी से सेकंड रो में इसमें बैठ सकते हैं। जो बिल्कुल। रो बोलेरो है वो चौड़ाई में थोड़ा सा कम है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन इसमें स्पेस मैनेजमेंट काफी अच्छी तरीके से किया गया है। सब 4 मीटर के अंदर आपको 7 सीट्स मिल रही है, वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। स्कॉर्पियो कौन सा कलर पसंद था? मुझे ब्लैक कलर पसंद था। उन्होंने डिलीवरी आपको सेम डे दे दी थी? इसकी तो सेम डे दी। ठीक है, तो जबरदस्ती कोई एसेसरीज वगैरह लगवाई तो नहीं उन्होंने? नहीं नहीं, 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 हमने अपनी चॉइस से लगवाई। बंपर, फुटरेस्ट है, हाँ जी, और सीट कवर्स है, वो बेज कलर में ही थे, थोड़ा फैब्रिक था, और प्लस इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा। मैं सोच रही थी रूफ रेल लगवाऊं, थोड़ा सा और ऊंची हो जाएगी, बट मुझे अब नीड नहीं लग रही है। कमियां क्या क्या लगी गाड़ी के अंदर? म्यूजिक सिस्टम के बारे में सबसे पहले मुझे एक बात बताइए आप, कि मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, आपको तो सही लगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा एक कमी इसमें रही है, एक तो जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है वो इंफोटेनमेंट से कनेक्ट नहीं है। फिर मैंने दिखाया भी था उनको, तो उन्होंने बोला कोई वायरिंग लूज है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायरिंग लूज है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, वो सेम डे पे नहीं हो पाया। उन्होंने बोला 2-3 दिन आपको गाड़ी होल्ड करनी पड़ेगी। सो उतना मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि 10,000 कंप्लीट कर लूं तब जाती हूं, तब तक और कमियां जो है वो मुझे पता चल जाएंगी। सेकंड चीज, जो इसका सेंटर कंसोल है वो मतलब एक अट्रैक्टिव नहीं है। पावर विंडो कंट्रोल जो है वो साइड में सबका रहता है कि हाँ साइड में है, अपना ड्राइव कर रहे हैं, हैंड पे रहता है, बस इसका जो है वो अगर सेंटर में, हाँ, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको कुछ टाइम के बाद आदत हो जाएगी, फिर आपको यही अच्छा लगने लगेगा। और एक और चीज, ये रिमोट की है इसकी, जिसमें बटन नहीं है, देखो। वैसे इसकी जो मेन की है इनको अभी मिली नहीं है, कुछ टाइम के बाद मिलेगी, ये दूसरी चाबी से काम चला रहे हैं। चलिए अब गाड़ी को चलाते हैं, आप गाड़ी चलाइए, हम आपके पीछे बैठेंगे, आपकी ड्राइविंग चेक करेंगे। आपको कैसा लग रहा है सर, कंफर्ट लेवल? कंफर्ट तो अच्छा है, राइड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, लेकिन बॉडी ऑन फ्रेम होने की वजह से थोड़ी बहुत हिलती है गाड़ी। हाँ, बट आपको आदत हो जाती है। अंडर थाई सपोर्ट काफी अच्छा है, हेडरूम काफी अच्छा है, मतलब मुझे पूरा कम्फर्ट मिल रहा है गाड़ी के अंदर। बॉडी ऑन फ्रेम वाली गाड़ी का नशा ऐसा है कि ये उतरता नहीं है, आपको दूसरी गाड़ी भी वैसी ही चाहिए होती है, ऐसा मैंने काफी ओनर से भी सुना है। जो आप इतना एवरेज निकालते हैं जी, तो कितने की स्पीड में आप चलाते हैं हाईवे के अंदर? 80 to 90 रहता है। सिटी में कितना एवरेज दे रही है आपको ये? सिटी में 17 लगभग दे रहा है, वैसे सिटी में ज्यादा हमने चलाई नहीं है, 70% ये हाईवेज पे ही चली है, सिटीज में थोड़ा कम ही चली है, तो इस वजह से मुझे कम ही मैंने आइडिया लगाया है। इस गाड़ी को काफी लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, इसकी शायद हो सकता है कि बनावट की वजह से, तो आपका क्या मानना है और आप रिकमेंड करेंगे इस गाड़ी को? सर बिल्कुल रिकमेंड करूंगी, मुझे ये इसलिए ज्यादा पसंद आई है क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए थी, मैंने जैसा कि बोला आपको शुरुआत में ही, एक मिनी स्कॉर्पियो इसको कह सकते हैं, वो मुझे फील आता है, भले ही लुक वाइज स्कॉर्पियो नहीं है और फील भी स्कॉर्पियो का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब लुक, मतलब मुझे लगता है कि हाँ चलो स्कॉर्पियो नहीं मिली तो ये उसका अल्टरनेटिव है मेरे पास। इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? जो मैंने ड्राइविंग सीखी थी वो 800 पे चलाई थी, 800 पे सीखी थी ऑल्टो 800, फिर उसके बाद बलिनो मैंने चलाई, मतलब रेगुलर कभी नहीं चलाई, बस वही सिटी में थोड़ा सा डर रहता था कि अब एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो चीज का डर रहता था, और वो मतलब बुआ के बेटे की गाड़ी थी, तो वो रहता है जब अपनी गाड़ी हो ना, अपनी गाड़ी पे चाहे चोट लगे चाहे कुछ भी हो, आपको दर्द नहीं होता, दूसरे का जो सुनना पड़ता है ना, वो चीज बहुत लगती है। देखिए प्रियंका की मुझे एक बात काफी अच्छी लगी, खुल के बता रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा रही है,
फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रही हैं इतनी बड़ी, उसके हिसाब से जैसे इनकी फीलिंग आ रही है ये बता रही हैं। आप लोगों में से काफी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे और मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। जब मैं नई नई गाड़ी सीख रहा था तो ऐसा होता है, ये सारी फीलिंग आती है नए ड्राइवर के साथ। हाईवे में क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करते हो क्या आप? नहीं सर, मैंने बोला ना अभी ये कनेक्ट अच्छा, ही नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं बटन ये। नहीं अभी काम नहीं कर रहे हैं, और वो जब मैं जाऊंगी मैं हाँ। सोच रही हूँ 10,000 कंप्लीट हो जाए हाँ। तो ही मैं कराऊंगी सही। थोड़ा सा डर दिख रहा है मुझे आपके चेहरे पे। हाँ वो थोड़ा सा ऐसा ना, एक तो जगह भी कम है प्लस आप मेरे सामने हैं तो सर आप सोच सकते हैं कि अगर कोई होता ना मेरे जैसा कि न्यू कमर या नया वो होता ड्राइवर तो मैं उसके मतलब मास्टर बन जाती कि अरे ऐसे नहीं ऐसे होता ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, बट आप हैं साथ में तो ऑब्वियस है कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा देखो ये गाड़ी ना सीखने वालों के लिए काफी परफेक्ट है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डीजल गाड़ी है, क्लच क्लच में चल जाती है, ऊपर से विजिबिलिटी काफी अच्छी है और आपको अंदाजा ना हो ब्रेकर में रोकने का गड्ढों में रोकने का तो इसको लेकर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, स्पीड ब्रेकर का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम चला रही थी इको मोड में, इको मोड को मैं बंद कर देता हूँ, नॉर्मल मोड में चला देता हूँ। और इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी, इसका लो एंड परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, ये इसमें कह सकते हैं आप टर्बो लैग बहुत मिनिमाइज है, आप इसको कहीं पर भी चलाइए। ये देखिए ये तो मजाक है इस गाड़ी के लिए, और ये ऐसे झूलते हुए जाती है ना इस जगह से, और यहाँ पर कई गाड़ियां स्लो करनी पड़ती है, इसको ऐसे ही निकाल दो। देखो 50 की स्पीड में चल रहा हूँ, पांचवे गियर में मैं चल रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सीलेटर पेडल को टैप करूंगा गाड़ी खींचती हुई चले जाएगी। हाँ लेकिन हाई स्पीड में यानी कि हाई आरपीएम में परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, और मैं रिकमेंड भी करूंगा इस गाड़ी को तेज स्पीड में ना चलाइए, ये उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, बट हाँ कंफर्ट आपको देगी, रगड़ गाड़ी है, ब्रेकर में आपको ज्यादा धीरे करने की जरूरत नहीं है इस गाड़ी को, गड्ढे ये पूछती नहीं है। कम बजट में बड़े साइज की गाड़ी आपको चाहिए तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं, आपके इलाकों की सड़कें उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके सस्पेंशन काफी प्यारे हैं, खराब नहीं होंगे। अब इस गाड़ी को हम ले जाते हैं जहाँ हम नॉर्मली किसी गाड़ी को नहीं लेकर जाते हैं, खेतों में। ये है बुलेरो का दम, खेत में चल रही है गाड़ी, राइड क्वालिटी इतनी जबरदस्त, कोई और गाड़ी होती छोटी मोटी फंस जाती इजीली, प्रॉब्लम होती कहीं कुछ ना कुछ इसके लग ही जाता नीचे से, कूदते हुए जाती हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से चढ़ाएंगे देखो अब। वैसे इस प्राइस रेंज में आपके पास थार का भी ऑप्शन था सर, थार भी हमने मतलब अपना चॉइस में रखा था, लेकिन हमें 4x2 लेनी थी। हाँ मैं 4x2 की बात कर रहा हूँ, 4x2 के लिए भी बस यही था कि हमें मार्च या अप्रैल में देंगे, वो भी जैसे जिन्होंने पहले बुकिंग्स की हैं फर्स्ट 10,000 उनको तो जल्दी मिल जाती, बट हमें वो लेट देते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब जीएम वगैरह से बात करने पे वो बोल रहे थे कि हम लास्ट आपको अप्रैल या मई तक दे देंगे। अच्छा। तो वही सीन था कि अगर इतना हम रुकेंगे तो 5 डोर के लिए रुक जाएं, तब तक तो 5 डोर आ जाएगी, मतलब उस टाइम तक अगर हम वेट करें तो बहुत सारे गाड़ियों के ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट तो रेड डार्क एडिशन हैरियर है, सेकंड आपकी 5 डोर हो गई, और हाँ ये सारे काफी ऑप्शन है अगर 4x2 भी लेते तो। बस यही सीन था कि इस वजह से हमें जल्दी ये लेनी पड़ी क्योंकि गाड़ी की नीड थी घर में। और बाकी ये भी है कि मतलब ऐसा किसी को भी आइडिया नहीं था कि हम बुलेरो ले रहे हैं, घर में किसी को भी नहीं पता था। अब हमें लग रहा था कि घर जाएंगे लोगों के क्या रिएक्शन रहेंगे, सब बोलेंगे स्कॉर्पियो के लिए गए थे बुलेरो लेके आए हो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि ये मतलब फील सबको बहुत अच्छा हुआ ये गाड़ी देख करके। एब्यूज फ्रेंडली गाड़ी है ये, अगर आप गांव साइड में जाएंगे ना इस गाड़ी को ना मतलब इज्जत मिलेगी प्रॉपर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ये भी आपने फील कराया क्या? जी बिल्कुल। जब ये गाड़ी हमारी गांव में गई थी तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे किसी मतलब दुल्हन को देखने 50-60-70 लोग आते हैं ना, उस टाइप से, मैं इसकी वीडियो दिखाऊंगी आपको, उस टाइप से लोग आए थे इसे देखने। अच्छा। हाँ जी, और लिटरली ऐसा फील आ रहा था जैसे घर में कोई फंक्शन है। अच्छा। जैसे हम रात में सॉरी 5-6 बजे के करीब घर पे लेके गए, शाम तक 7-8-9 बजे तक लोग आते रहे, सुबह फिर अगले दिन 6 बजे ही देखने आ गए लोग, जैसे एक नई नवेली बहू को देखने आ जाते हैं। वो सीन रहा इसके साथ। ये जो ऑब्स्टिकल है बड़ी ही आसानी से इसको क्रॉस कर जाएगी ये गाड़ी। मजाक
इसके लिए ये मजाक था। बिल्कुल हाथी की तरह हिलती हुई जाती है आराम से। बस इसके इंटीरियर में थोड़ा सा अगर और चेंजेस हो तो और ज्यादा बेटर रहेगा। आपने पैसे ही कितने दिए हैं? हाँ ये भी है, है ना? लेकिन इसको तो आप सोचना, एक मतलब... इंडियन मेंटेलिटी होती है हमें कम पैसों में ज्यादा चीजें मिले। सही बात। सो वो चीज तो मुझे लगता है कि थोड़ी चीजें और चेंज करें तो महंगी गाड़ियों पे कोई नहीं जाएगा, सब बुलेरो ले लेके ना ऑफरोडिंग ही करेंगे। यहाँ से वैसे ट्रैक्टर जाते हैं और हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, निकल जाएगी क्या? बताओ आप, शर्त लगाओ 100-100 रुपए की। करते हैं, लगाते हैं शर्त। निकल जाएगी सर, निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल। अरे वाह। लगा ना थार वाला फील। चलो आप तो अपनी गाड़ी से काफी खुश हैं, रिकमेंड कर रहे हैं गाड़ी को, मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड है। अगर आपकी नीड कुछ इस टाइप की है, अगर आप गांव साइड में रहते हैं, अगर आप अपने घर पे भीड़ जमाना चाहते हैं जैसे नई दुल्हन आई हो जैसे मैडम ने बताया, तो आप बुलेरो नियो ले लीजिए। ये वैसे भी परफेक्ट फैमिली कार है, 7-सीटर है तो इजीली बहुत लोग इसमें इजीली आ जाते हैं। 7 भी नहीं है तो अगर आप 7-सीटर का यूज इसमें देखेंगे तो फिर बूट जीरो है इसमें। ये तो अगर आपको 5-सीटर गाड़ी चाहिए प्रॉपर स्पेस के साथ तो ये परफेक्ट गाड़ी है। कभी शादी ब्याह में जाना है तो 7 लोगों को बैठा के ले जाओ। वैसे 7-सीटर में इतने ज्यादा बूट स्पेस, मतलब एक दो गाड़ियां हैं उसी में मिलता ही रहता है थोड़ा सा। तो ये था प्रियंका जी का ओनरशिप एक्सपीरियंस बुलेरो नियो का। प्रियंका जी भी ऑटोमोबाइल कॉन्टेंट बनाती है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक डाल रखा है, इन्हें भी सपोर्ट कीजिए। देखिए एमआईडी में ये 19.7 का एवरेज दिखा रही है ये गाड़ी, मतलब कि अगर 2-3 कम भी कर दो तो अच्छा खासा एवरेज दे रही है ये गाड़ी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच मेरठ से यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच सर।